अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। सर संतान द्वारा जानवरों का 12,000 लीटर खून सीधे बोर करके भूगर्भ में डालने के दावे को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संज्ञान में लेते हुए इस पर जांच बैठा दी है। बोर्ड के क्षेत्र अधिकारी ने इसकी जांच संबंधित क्षेत्र के ही सहायक वैज्ञानिक अधिकारी को सौंप दी है। साथ ही पानी के नमूने भी लेने की बात कही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जिसकी फैक्ट्री में बोर कर सीधे खून भूगर्भ में डालने का दावा किया गया है वह उनका खासा रसूख है, लिहाजा बेहद सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। सच संतान अध्यक्ष संदीप पहल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों को साबित करने के लिए उन्होंने एक फैक्ट्री परिसर में जमीन में बोर के माध्यम से काटे गए जानवरों का दूषित खून जमीन में सीधे डालने की वीडियो भी दी है। इन वीडियो में साफ दिखाया जा रहा है कि भारी मात्रा में खून व दूषित जल बोर के जरिए भूगर्भ में सीधा डाला जा रहा है। जाहिर है कि इससे आसपास के क्षेत्रों का पेयजल दूषित हो रहा है। संदीप पहल का यह भी आरोप है कि या तो विभाग यह बताए कि आम आदमी व रसूखदार लोगों के लिए अलग अलग नियम हैं। यदि नहीं तो सबूत दिए जाने के बाद क्यों विभाग व प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने प्रदूषण अधिकारी द्वारा वीडियो के पुराने होने की आशंका जताने पर सवाल किया कि यदि 4 माह पूर्व कोई हत्या हुई है तो क्या उसे ऐसे ही नजरअंदाज किया जाएगा। आइए देखते हैं सच संतान के अध्यक्ष संदीप पहल को वह क्या बता रहे हैं। ये प्रेस वार्ता जो है साकी मीट फैक्ट्री है, इसके अंदर 1,000 जानवर काटने की अनुमति है, जिसके उससे काफी ज्यादा ये लोग पशु काटते हैं और सब लोग ये पशु अवैध रूप से काटे जाते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में काटे जाते हैं। ये पानी नियमानुसार ईटीबी प्लांट के माध्यम से निस्तारित होना चाहिए जो है साफ होकर, लेकिन ये ईटीपी से ना कर क्योंकि उसके अंदर बिजली मेंटेनेंस होता है, इन्होंने इसको साइड से साइफनिंग कर ये सारा पानी वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से अपना बोरिंग कर जैसा कि मैंने वीडियो और बोरिंग करने वाले लोग और सारी चीज़ वहाँ पर दिखाई है, तो उस ये सारा लगभग 12,000 लीटर खून, उसके साथ में जो पानी गंदा जा रहा है वो एक अलग चीज़ है, साथ में इतना खून जमीन में उतारा जाता है, इसका मतलब साफ है जो कोरोना वायरस की बीमारी, इससे खतरनाक बीमारी फैलाई जा रही है। क्षेत्र की जनता जो है लाइलाज बीमारियों की चपेट में आ चुकी है। जो जितने भी विभाग हैं सब मिले हुए सब पैसे लेते हैं, अगर वाटर टेस्टिंग कराओगे तो इनके फेवर में आएगी, सारी चीज़ें इसी प्रकार से चल रही हैं। मेरा इसमें के साफ स्पष्ट रूप से कहना है मीट फैक्ट्री को सील किया जाना चाहिए पुलिस बल लगाकर, और सारे लाइसेंस कैंसिल हो, इसके ऊपर FIR दर्ज हो, NSA लगाई जाए, क्योंकि ये सामूहिक हत्या का एक जीता जागता उदाहरण है कि लोगों को किस तरीके से धीरे धीरे सामूहिक हत्या से मारा जा रहा है, और ऐसा क्रिमिनल को छोड़ा जाना बहुत ही गलत होगा। कोई आदमी चाहे सांसद रहा हो, विधायक रहा हो, मेयर रहा हो, अगर इस चीज में दबाव में ये लोग आ रहे हैं तो ये स्पष्ट करना होगा शासन प्रशासन को कि गरीब के लिए कानून अलग है और अमीर के लिए अलग है। इन गंभीर आरोपों की पड़ताल के लिए आज फर्स्ट बाइट की टीम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्र अधिकारी RK त्यागी से मुलाकात की। श्री त्यागी ने बताया कि फर्स्ट बाइट की टीम द्वारा उनके संज्ञान में ये तथ्य लाया गया है जो कि बेहद गंभीर है, इस पर तुरंत ही जांच होनी चाहिए। उन्होंने सहायक वैज्ञानिक अधिकारी योगेंद्र कुमार को दावे की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं RK त्यागी। इस पे जांच करा के और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो भी संबंधित अधिकारी उस क्षेत्र को देखते हैं उनको अभी इमीडिएटली उनको भेजा जाएगा वहाँ पर, और इसकी जो भी जांच रिपोर्ट होगी उसके आधार पर कड़ी से कड़ी जो भी नियम कहते हैं उस कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पर की जाएगी। इसमें जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन लोगों का सीधा आरोप है कि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की मिलीभगत से ये काम हो रहा है। नहीं, बिल्कुल इससे तो मैं इनकार करता हूँ, क्योंकि अगर खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस विभाग को कोई जानकारी नहीं दी है, यदि उनके पास कोई जानकारी थी और वो हमको इसको पहले भी दे देते तो हम पहले भी कार्रवाई कर देते। क्या अलीपुर क्षेत्र से और इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वहाँ का पानी पॉल्यूटेड हो रहा है इस कारण से? अभी हाल ही में तो पिछले 5-6 महीने में कोई शिकायत नहीं मिली हमको। इससे पहले
इससे पहले भी कुछ शिकायतें आई थी, उनकी भी जांच कराई गई थी और जांच करके आख्या भेजी गई थी। उस जांच में तो क्या आया? हाँ नहीं, उसमें ऐसा उस वक्त तो कुछ नहीं आया था, लेकिन अब ये शिकायत आई है और शिकायत क्या आई, आपके माध्यम से ये मैं संज्ञान हुआ है। मतलब उस समय डिपार्टमेंट द्वारा उनको क्लीन चिट दी गई थी? नहीं, कोई क्लीन चिट नहीं दी गई थी। जो भी स्थिति थी वो स्थिति प्रशासन के संज्ञान में ला करके रिपोर्ट दी। प्रशासन से टीम बनी थी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसमें अकेला नहीं था, उसमें नगर मजिस्ट्रेट भी थे, उसमें पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी थे, और उसमें और कौन से विभाग थे, पशु चिकित्सा हो गए, ये हो गए, और भी कई विभाग सम्मिलित किए गए थे, पुलिस भी थी। तो उन सबकी एक सम्मिलित रिपोर्ट जो है डीएम साहब को दी गई थी। उस रिपोर्ट में क्या आया था? अब इस वक्त तो बताना मुश्किल है क्या क्या आया था, लेकिन ज्वाइंट रिपोर्ट दी गई थी। मतलब गोपनीय है या नहीं अब वो याद नहीं इस टाइम में, लेकिन रिपोर्ट उनको दे दी गई थी। जो भी स्थिति सबने देखा था वही स्थिति दी गई थी। ऐसी कोई, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं थी जो ये आपने बता रहे हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं पाई गई थी कि वो बोर कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं पाया गया था कभी। और यदि ऐसी सूचना किसी के पास गोपनीय सूचना है तो वो अगर हमें मिल जाती तो हम पहले ही इसकी जांच करा लेते, और अब आपने हमें बताया है तो हम बिल्कुल इसकी जांच कराएंगे। बोर्ड के क्षेत्र अधिकारी ने यह भी बताया कि कुछ समय पूर्व भी क्षेत्र नागरिकों ने यह शिकायत की थी कि मीट फैक्ट्रियों द्वारा बोर करके भूजल को दूषित किया जा रहा है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं मिली। उनका यह भी कहना था कि अब थर्ड पार्टी निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट में भी सब कुछ सही पाया गया। करीब 6 माह पूर्व प्रशासन की टीम ने भी इसकी जांच की थी, उस टीम में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी योगेंद्र भी थे, उसकी रिपोर्ट में भी सब ठीक पाया गया है। क्या इस मामले में पूर्व सांसद को क्लीन चिट दे दी गई है? तो उन्होंने इसे इनकार कर दिया, यानी सब कुछ ठीक ठाक है और नहीं भी। इस बारे में पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक का कहना है कि संदीप पहल अब से पहले इस आशय की 7 शिकायत कर चुके हैं जो हर बार जांच में झूठी साबित हुई है। उनकी फैक्ट्री अत्याधुनिक है, भूगर्भ में दूषित पानी डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जो चाहे आकर जांच कर सकता है। बता दें कि अलीपुर स्थित मीट फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल को ETP के जरिए साफ कर सिंचाई कार्य में लाने को कहा गया है, लेकिन ETP को चलाना भी खासे खर्चे का सौदा है। इस खबर में आज इतना ही। अपने आसपास सफाई रखें, कोरोना से बचने के लिए हाथों को बार बार धोते रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।